हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बल्कि पूरा एक्सरसाइज ही बहुत ज़्यादा ही इजी है। आपको इस पूरे एक्सरसाइज के 10वें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस एक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आना चाहिए और फिर कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मालूम होना चाहिए। ये दोनों आपको आता है तो फिर इस पूरे एक्सरसाइज में कुछ है ही नहीं, बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे और पूरे एक्सरसाइज का भी मैं वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जरूर देखेगा सारे क्वेश्चन को। अभी देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार शॉर्ट में मैं आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बताता हूँ क्या होता है बीपीटी। आपको आता भी होगा, नहीं भी आता तो एक बार आप शॉर्ट में देखें। देखिए, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं, ये बन गया एक ट्राइंगल और कोई एक लाइन ऐसा है जो किसी भी एक साइड के पैरेलल है। मान लेते हैं इस ट्राइंगल को एक बार हम नेम दे देते हैं ट्राइंगल ABC और ये लाइन है DE। तो अगर DE पैरेलल टू BC है तो फिर ये बाकी दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन इक्वल रेशियो। कोई एक लाइन किसी भी एक साइड के पैरेलल है तो बाकी दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। अब देखिए, जो DE है ये इस साइड को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, AD/DB में, ठीक है। और वैसे ही DE AC को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, AE/EC में। तो इस साइड को जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब जो आंसर AD/DB का होगा, इस साइड को भी उसी रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब वो ही आंसर होगा AE/EC का। ये हो गया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एक लाइन किसी भी एक साइड के पैरेलल है तो वो बाकी दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो साइड बाई साइड का आंसर होता है साइड बाई साइड के इक्वल। या आप एक बार ऐसे पैरेलल देख रहे हैं, आप इसको ऐसे भी पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, ये ट्रायंगल है और ऐसे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको एक बार आप नेम दीजिए PQR और एक बार इसको दे दीजिए आप नेम DE। तो इस बार ये DE इसके पैरेलल है तो ये बाकी दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करें। तो ये इसको कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, QE/ER में, और इस साइड को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, QD/DP में। तो फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या होगा, QE/ER का आंसर होगा QD/DP के इक्वल। ठीक है, बहुत ईजी, आपको एकदम समझ में आ गया होगा। बस आपको यही थ्योरम अप्लाई करना है और ये क्वेश्चन तो देखिए वैसे आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसके अंदर आपको क्वेश्चन ने मेंशन किया हुआ है कि DE है पैरेलल टू BC। ठीक है, DE है पैरेलल टू BC और आपको AD दिया हुआ है, DB गिवन है क्वेश्चन में, AE गिवन है आपको क्वेश्चन में, आपको EC का आंसर फाइंड करना है। तो आपको पता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से कि अगर ये वाला लाइन इस साइड के पैरेलल है तो ये बाकी दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब जो आंसर AD/DB का होगा वो ही आंसर AE/EC का होगा। वो आप देख सकते हैं AD/DE ये इसका डबल हो रहा है तो ये भी इसका डबल होगा। अगर AD/DB का आंसर है 1/2 तो AE/EC का भी आंसर कितना होगा, 1/2, तो ये कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर। इसको भी आप देखिए ओरली बना सकते हैं, ये DE है पैरेलल टू BC तो अगर ये इस साइड के पैरेलल है तो ये बाकी दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करें, मतलब AD/DB का आंसर होगा AE/EC के इक्वल। आप देख सकते हैं ये इसका 3 टाइम्स हो रहा है तो ये भी इसका 3 टाइम्स हो रहा होगा, तो ये कितना होना चाहिए, 2.4 सेंटीमीटर। आप इसको ओरली बना सकते हैं, एक बार हम पूरा लिख के अच्छे से सॉल्व करते हैं। ये देखिए, फिगर 1 है, फिगर 2 है। पहले हम फिगर 1 वाला सॉल्व करते हैं। आपको जिस भी ट्राइंगल में जो भी थ्योरम अप्लाई करना रहता है, आपको सबसे पहला काम ये करना चाहिए उस ट्राइंगल का नाम लिखना चाहिए। तो यहाँ पर है ट्राइंगल ABC, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऐसे इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब ट्राइंगल ABC में आपको क्वेश्चन में गिवन है कि DE है पैरेलल टू BC, तो ऐसे लिखेंगे हम, सिंस DE इज पैरेलल टू BC। ये पैरेलल है कैसे, ये क्वेश्चन में गिवन था आपको, तो ब्रैकेट में रीजन लिखना चाहिए गिवन। तो जब DE पैरेलल टू BC है तो AD/DB का आंसर किसके इक्वल होगा, AE/EC के इक्वल। देयरफॉर AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। रीजन लिखे थे पर हम ब्रैकेट में, और अब पूरा नाम लिखने की कोशिश करें, शॉर्टकट मत लिखेगा यहाँ पर, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आपको मालूम पड़ रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन इक्वल रेशियो, देयरफॉर AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। अब आपको AD का आंसर पता है 1.5, DB का आपको आंसर पता है 3, AE का आपको आंसर पता है 1, बस EC मिसिंग है। देखिए, EC का आपको आंसर मिल जाएगा, देयरफॉर EC इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1.5, 3 बाई 1.5, आंसर कितना आएगा इसका, 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखना बिल्कुल ना भूलें।
वैसे मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, उसको आप ओरली बनाए देखिए, ये इसका डबल हो रहा है तो ये भी डबल होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ये भी देखिए सेम ऐसे ही बनेगा। डीई है पैरेलल टू बीसी, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से AD बाई DB होगा AE बाई EC के इक्वल। ये देखिए इसका 3 टाइम्स हो रहा है तो ये भी 3 टाइम्स हो रहा होगा इसका। अब ऐसे भी सब समझ सकते हैं कि 3 से डिवाइड करने पर आ रहा है 1.8, तो यहाँ से 3 से डिवाइड करने पर आंसर क्या है, 2.4 सेंटीमीटर। आई ट्राइंगल का नाम लिखेंगे पहले, सेकेंड पार्ट है इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में पहले रीजन लिखेंगे हम, सिंस DE इज पैरेलल टू BC। ये पैरेलल कैसे है, क्वेश्चन में गिवन था, therefore side by side is equal to side by side, मतलब therefore AD by DB is equal to AE by EC, bracket में reason by basic proportionality theorem। बस आपको values put कर देना है, AD का आपको answer given नहीं है question में, आप AD find कर रहे हैं तो AD की जगह हम AD छोड़ देते हैं। डीबी कितना है 7.2, AE कितना है 1.8 और EC कितना है 5.4 सेंटीमीटर। देखिए आपको AD का आंसर मिल गया, therefore AD is equal to, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7.2 मल्टीप्लाइड बाई 1.8 डिवाइडेड बाई 5.4 सेंटीमीटर लिखते हैं। 1.8 से ये गया 3 टाइम्स, 3 से ये गया 2.4 टाइम्स, तो AD का आंसर मिल गया 2.4 सेंटीमीटर। थैंक यू गाइस, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का वीडियो अपलोड करने वाला हूं मैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जरूर देखें। थैंक यू गाइस।